हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, जो हमारे हेनरी मिंट्सबर्ग ने 3 रोल ऑफ मैनेजर्स दिया था, 3 कॉमन रोल ऑफ मैनेजर्स दिया था, मतलब 3 पार्ट्स में जो उन्होंने डिवाइड किया था उनके 10 रोल्स को, आज उसी का हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशनल रोल्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल वर्क। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रोल से यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन रोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न क्यों होता है इन्फॉर्मेशन के एस्पेक्ट से, कि एक मैनेजर के वर्क में इन्फॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ के लिए क्या होता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारा वर्क करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, द 3 इन्फॉर्मेशनल रोल्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल वर्क। 3 ऐसे इन्फॉर्मेशनल रोल हैं जो कि क्या करते हैं, मैनेजर वर्क में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के थ्रू। ठीक है, देखो इसमें पहला होता है हमारा डिसिमिनेटर, दूसरा होता है स्पोक्स पर्सन और तीसरा होता है मॉनिटर। ये 3 ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मैनेजरियल वर्क में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या मैनेजर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये 3 क्या करते हैं, प्राइमरी रोल निभाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डिसिमिनेटर। तो डिसिमिनेटर क्या होता है, ट्रांसमिट फैक्चुअल एंड वैल्यू बेस्ड इन्फॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट। ये क्या करते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं मतलब जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, जो उनके काम में क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उस टाइप के इन्फॉर्मेशन को अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी भी है और अगर आप उनको अपने सबऑर्डिनेट को बताओगे तो उनके जो वर्क है उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फैक्चुअल या वैल्यू बेस्ड इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या करते हैं, डिसिमिनेटर का ये वर्क होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या करते हैं, कम्युनिकेट टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। ये क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करते हैं ताकि अपने परफॉर्मेंस और पॉलिसीज के बारे में उनको बता सके, और मतलब क्या कर सके, एक तरीके से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो करते हैं ये। ठीक है, लोगों को अपने पॉलिसीज अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। ठीक है, तीसरा होता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होते हैं, गैदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटर का काम क्या होता है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है उसको गैदर करके मैनेजर तक पहुंचाने का वर्क क्या होता है, मॉनिटर्स का होता है। ठीक है, ताकि जितनी भी चीज़ों, इन 3 के थ्रू क्या हो जाता है, मैनेजर को बाहरी दुनिया से का, एक्सटर्नल इंटरनल का और अपने सबऑर्डिनेट, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जिसके लिए जो ज़रूरी है उस तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।